Hi, this is Neeraj Garg and you are watching Polynomials. Divide 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by 1 plus 2x plus x square. Polynomial ka division karna hai, to start karte hain. Aur division karne se pehle hame ek baat ka dhyan rakhna hai ki hamesha jo hamara dividend hai aur jo divisor hai usko humne हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ चेंज करके लिखना है. मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 3x क्यूब, फिर इससे कम मतलब x स्क्वायर, फिर इससे कम प्लस 2x प्लस 5. अब क्योंकि ये डिवाइजर है, डिवाइजर में कुछ उल्टा दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, तो इसको हम ठीक से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, जो उसकी डिग्रीज हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना है. अब डिवीजन करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारा डिवाइजर है उसकी जो फर्स्ट टर्म है क्या है, 3x क्यूब, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब जो डिवाइजर की सबसे बड़ी डिग्री है उससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 3x. ये 3x आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और इस 3x से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ गया हमारा 3x क्यूब प्लस 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1, कितना आ गया प्लस के 3x. और ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, ये हमारा इसके नीचे, ठीक है. तो यहाँ लिख देंगे हम 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, राइट, क्लियर हो गया इतनी बात. अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं. यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा. फर्स्ट टर्म हमारी 3x क्यूब है, सॉरी, और ये फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी. यहाँ प्लस के 3x स्क्वायर थे और ये माइनस के, ठीक है. यहाँ प्लस के x स्क्वायर है और माइनस के 6x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, माइनस के 5x स्क्वायर. ये प्लस के 2x और ये माइनस के 3x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स और ये 5 यहाँ कैरी हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है. अब हम माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर को डिवाइड किससे करेंगे, वही एक्स स्क्वायर से, ठीक है. सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 5 आ गया और ये माइनस 5 यहाँ आ जाएगा. और इस माइनस 5 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 2x मतलब के माइनस के 10x, और माइनस 5 इंटू 1 मतलब माइनस 5. और ये पूरा हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस के 10x और माइनस के 5, राइट. साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, कैंसिल हो गया. माइनस एक्स और प्लस के 10x मतलब कि प्लस के 9x, प्लस के 5 और प्लस के 5 मतलब कि प्लस के 10. अब हम आगे डिवाइड करेंगे या नहीं तो देख लेते हैं. यहाँ हमारी डिग्री आई है, जो रिमाइंडर हमारा अभी तक जो आया है उसकी डिग्री है 1 और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री है 2. तो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए या रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री है वो लेस आ चुकी है, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर. तो कोशेंट हमारा आ गया 3x माइनस 5 और रिमाइंडर हमारा आ गया 9x प्लस 10. ये हो गया हमारा आंसर. चलिए आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें. तो आपने डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपका हो गया होमवर्क. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.